एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप लाइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो पहला पॉइंट ये कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर या करंट कैरिंग वायर है और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी कि नहीं करेगी. उससे पहले ये बताओ, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, वो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगी. कितनी करेगी? बी आई एल साइन थीटा. अब इमेजिन करो ये एक लूप है, एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर लूप है. करंट कैसे जा रहा है? ऐसे 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 और ऐसे घूम रहे. मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे है. इस डायग्राम को नहीं देखना, इसको देखना है. मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और ये लूप है जिसमें करंट ऐसे घूम रहा है, राइट. मेरा क्वेश्चन नंबर वन, इसमें करंट कैसे जा रहा है? ऊपर. मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे. बोलो ये फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगी? बी कहाँ पर है? ऐसे. बी कैसे है? ऐसे. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. करंट कैसे है? ऊपर. ऊपर तो फोर्स थंब कहाँ है? इनसाइड. तो ये पोर्शन पूरे का पूरा इनसाइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर. अब यही करंट घूम के ऐसे होता हुआ इस वायर में ऐसे आ रहा है, तो इस पे बोलो फोर्स कहां लगेगी? अगर इस पे इनसाइड है तो ऑब्वियसली इस पे आउटसाइड. करके देख लो, बी अभी भी यहीं पर है, करंट ऊपर आ गया, करंट सॉरी नीचे जा रहा है. मतलब ये पहले करंट कैसे गया था? करंट यहां पर ऊपर की तरफ गया, घूम के नीचे आया. तो बी इधर है, करंट नीचे, तो फोर्स कहां पर है? बाहर की तरफ है. तो इसमें फोर्स अंदर है, इसमें फोर्स बाहर है. चलो इधर देखें, क्योंकि इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो टॉप मोस्ट वायर में करंट यहां जाएगा. ये देखो इधर जाएगा. फोर्स की डायरेक्शन बोलो क्या होगी? फोर्स होगी, होगी कि नहीं होगी? कितने लोग बोलते हैं नहीं होगी फोर्स इस वायर में? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि बी और ये वायर आर इन सेम डायरेक्शन. तो लेंथ और बी में एंगल क्या हो गया? जीरो. जीरो का मतलब बी आई एल साइन जीरो इज जीरो. कोई नहीं होगी. ऐसे इसमें भी नहीं होगी. तो इस पोर्शन पे फोर्स अंदर है, इस पे फोर्स बाहर है. कपल हो गया, अंदर बाहर घुमा देगा इसे, तो टॉर्क जनरेट हो गया. तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है. दूसरा पॉइंट, इस लूप को किसी ने कहा कि सर ऐसे क्यों लेते हो? लूप ऐसे क्यों लिया? लूप तो ऐसे लेना चाहिए था टेढ़ा. अब करके दिखाओ सेम क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? फिर सेम चीज, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे. तो इसके अंदर करंट कहां पर है? ऊपर. तो मैंने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है. तो रेक्टेंगुलर लूप में इनसाइड की तरफ है, ठीक, इनसाइड की तरफ है. तो ये रेक्टेंगुलर लूप है और ये इनसाइड की तरफ लूप है. तो ये वाला पोर्शन इनसाइड है, ये वाला पोर्शन आउटसाइड है, राइट. अब मुझे ये बताओ कि इसमें करंट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है. देखो ये ऊपर जा रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी? फ्लेमिंग का रूल. बी कैसे है? ये रहा. करंट कैसे है? ऊपर. फोर्स कैसे है? इनसाइड. तो इस पूरे पोर्शन पे इनसाइड. वैल्यू बोलो फोर्स की क्या होगी? बी आई, लंबाई इसकी कितनी है? एल साइन 90, क्योंकि लेंथ और बी में एंगल कितना है? 90. तो बी आई एल साइन 90. तो फोर्स की पहली वैल्यू क्लियर है, बी एफ वन इज बी आई एल साइन 90 इनवर्ड्स. ऑनलाइन क्लियर है? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट इस वायर की बात करते हैं. इस वायर पे फ्लेमिंग का रूल, बी कैसे है? ऐसे है. करंट कैसे है? नीचे. फोर्स कैसे है? बाहर. तो वैल्यू बोलो F3 की, बी आई एल साइन 90, बी आई एल साइन 90 आउटसाइड. ये भी क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर. राइट, नेक्स्ट थर्ड अपर पोर्शन. अब ध्यान से देखना, ये लूप ऐसी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये लूप ऐसी है, ठीक है. करंट कैसे है? इसमें करंट यहां से आके इधर जा रहा है. तो अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, और इसकी विड्थ कितनी है? छोटा बी. तो अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो करंट कैसे है? ऐसे है. तो अगर करंट की डायरेक्शन बी से ए है, ये देख रहे हो, बी से ए है, तो लेंथ भी बी से ए है, और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और लूप अंदर कितने एंगल चली गई? थीटा. पर हमें एंगल क्या ढूंढना होता है फोर्स में? एंगल बिटवीन बी एंड एल, जो कि क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा.
तो फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, बी आई, लेंथ की जगह यहां पर क्या आएगा, बी। तो करेक्शन करो यहां पे, थर्ड ये जो सेकंड नंबर की फोर्स है F2, यहां पे लिखो बी आई बी, बी आई बी लिखना है, बी आई बी साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने लंबाई जो है वो L नहीं ली, मैंने लंबाई B ली है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो अब इधर देखो, इसमें फोर्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली, बी आई एल साइन 180 माइनस थीटा। डायरेक्शन देखें, अब डायरेक्शन के लिए कितने लोग बोलते हैं कि फ्लेमिंग का रूल लगेगा लेफ्ट हैंड रूल इसमें, हाँ या ना? नहीं लगेगा, क्यों? 90 डिग्री पे नहीं है, क्योंकि बी और एल 90 पे नहीं है। यहां पर क्या है, बी ऐसे है और लेंथ ऐसे है, और बी और लेंथ में एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा, तो फ्लेमिंग का रूल नहीं लगेगा। तो फिर क्या लगेगा, ये रहा आपका बी वेक्टर, बी वेक्टर, करंट कहां पर जा रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट ये रहा आपका करंट, ये बी वेक्टर है, पेन बी वेक्टर है, करंट यहां पर है। तो क्या रूल लगता है, एल क्रॉस पी, एल क्रॉस पी, फोर्स कहां आएगी, अपवर्ड। जहां फ्लेमिंग का रूल नहीं लगेगा वहां क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगेगा, एल क्रॉस पी अपवर्ड। कोई कहता है मैं तो फ्लेमिंग का लगाऊंगा, लगा ले तो भी आंसर सही आएगा। करंट कहां पर है, बी कहां पर है, ये रहा, करंट कहां पर है, ये। अब एंगल 90 नहीं बनेगा, 180 माइनस थीटा, फिंगर थोड़ी ज्यादा खुलेंगी, थंब फिर से कहां आएगा, ऊपर। टेक्निकली गलत है, टेक्निकली तो एल क्रॉस बी लगाना पड़ेगा ऊपर। उसी तरीके से यहां करंट कहां है, इनसाइड, बी कहां पर है, इस तरफ, तो एल और बी में एंगल कितना है, थीटा। तो फोर्स की वैल्यू बोलो क्या लगेगी, बी आई बी साइन ऑफ थीटा। तो मेरे ख्याल से चौथी फोर्स भी क्लियर है, करेक्शन कर लेना यहां पर, यहां पर भी स्मॉल बी है और यहां पर भी स्मॉल बी है। और डायरेक्शन देख लें, इसमें बी वेक्टर कहां पर है, इस तरफ है, करंट कहां पर है, इसमें करंट की वैल्यू इसमें बोर्ड के अंदर जा रही है। तो सोचो करंट यहां जा रहा है, बी इधर है, तो एल क्रॉस बी कहां पर, नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फोर्स एफ टू ऊपर, एफ फोर नीचे, F2 ऊपर F4 नीचे, एंड दे आर कैंसलिंग ईच अदर, ये टॉर्क जनरेट नहीं कर सकती। लेकिन ये फोर्स अंदर है, ये फोर्स बाहर है, तो ये F3 और F1 टॉर्क जनरेट करेंगी। तो मैंने लिख दिया इसमें कि F2 F4 वेक्टर आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड विल कैंसल ईच अदर, लेकिन F1 वेक्टर F3 वेक्टर क्या जनरेट करेंगी, टॉर्क जनरेट करेंगी। अब टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, टॉर्क के एक्सप्रेशन में अगर आपको याद हो, हमने प्लस वन के अंदर कपल किया था, कपल, कपल क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेट बाय अ डिस्टेंस इज अ कपल। कपल में टॉर्क कैसे निकलता था, टॉर्क निकलता था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब मेरे को मेरे क्वेश्चन में जो टॉर्क जनरेट कर रही है फोर्सेज, वो एक एफ वन है और एक एफ थ्री है, इनके बीच में एफ थ्री यहां लगा लो, हर पॉइंट पर एफ थ्री है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने है, इतने, जो कि कितना बनेगा कैलकुलेट कर लेंगे। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की, क्या लूप तो ऐसा था, कंस्ट्रक्शन में डॉट 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 डॉट, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लंबाई कितनी है, बी, अगर ये थीटा तो ऑल्टरनेट से ये भी क्या है, थीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक फोर्स एफ वन वेक्टर कहाँ लूंगा, इनसाइड लूंगा, और एक फोर्स एफ टू वेक्टर कहाँ लूंगा, F3 वेक्टर कहां लूंगा, आउटसाइड लूंगा, और इनके बीच में मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने थोड़ा इजी बनाने के लिए ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन अलग से बना लिया, नीचे ये रहा, नीचे लूप है, बस ये ट्रायंगल बाहर निकाल लिया। अब एक फोर्स इनसाइड है, एक फोर्स आउटसाइड है, ये लंबाई कितनी है, बी है, और ये एंगल थीटा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, दिस अपॉन बी, तो ये क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। तो फिर टॉर्क क्या बनेगा, फोर्स, फोर्स कितनी, बी आई एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, बी कॉस थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, बी आई लेंथ इनटू बी क्या है, एरिया, बी आई ए कॉस थीटा। और ये एक लूप है, अगर दो लूप्स होते तो दो टॉर्क है, तीन होते तो तीन टॉर्क है, एन है तो एन टॉर्क है। तो फॉर्मूला लिखो बुकलेट में, टॉर्क का फॉर्मूला एन बी आई ए कॉस थीटा, एन बी आई ए कॉस थीटा, इसे लिखना प्लीज।
सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स कैसे निकालो वो एक और बार समझा दो। इसमें हाँ बोलो, ऑनलाइन बोलो, क्या डाउट है? हाँ जी बोलो, क्या डाउट है? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स कैसे निकालो एक और बार बता अच्छा, दो। वो हमने हमने क्या होता है जो टॉर्क होता है ना, ये फॉर्मूला पता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स यहां पर भी और बाहर भी है, इनके बीच में डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर है, ये निकाल दूं, ये निकाल दूं यस या ये निकाल दूं, बात तो एक ही है ना? तो अगर ये बी है तो ये बी कॉस थीटा, तो ये बी कॉस थीटा एक ही बात है। ओके सर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्सेस का बी कॉस थीटा। तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, टॉर्क का फॉर्मूला एन बी आई ए कॉस थीटा, इसमें थीटा क्या चीज है बताओ? थीटा है किसके किसके बीच में, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये लूप है, इस लूप, ये जो लूप है ये अंदर की तरफ चला गया, कितना? थीटा। तो ये बी वेक्टर है और ये लूप है, तो थीटा एंगल किसके किसके बीच में है? एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड लूप। पहला पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। यस। किसके किसके बीच में एंगल है? बी वेक्टर और लूप के बीच में है। इसको साइड पे फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, थीटा इज एंगल बिटवीन लूप एंड बी वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है तो बोलो थीटा क्या है? जीरो। तो टॉर्क क्या होगा? एन बी आई ए कॉस जीरो। और अगर ये लूप परपेंडिकुलर है इस बी के साथ तो एंगल क्या बना? थीटा 90। तो एन बी आई ए कॉस 90, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना, यहां कंफ्यूजन हो जाती है कई लोगों को। सपोज करो आपके पास ये एक लूप है, पेन देना, सपोज ये एक लूप है, ये रहा, ठीक है, ये ध्यान से देखना, बी वेक्टर यहीं पे, इसको नहीं छेड़ेंगे, बी वेक्टर ऐसे ही है, लूप ने बी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाया बताओ? जीरो। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर के, लूप का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी लूप, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था। अब ये परपेंडिकुलर बाहर भी आ सकता है और अंदर भी आ सकता है, कैसे डिसाइड करें कि ये लें कि ये लें? इसका रूल है, जब भी करंट कैरिंग लूप है और आपको एरिया वेक्टर कोई पूछे तो याद रखना चार फिंगर करंट के साथ घुमाना, जैसे करंट इसमें ऐसे घूम रहा है तो चार फिंगर करंट के साथ घुमाना, बी वेक्टर इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। जैसे हम बी वेक्टर का रूल निकालते थे ऐसे एरिया वेक्टर का भी निकालने का सेम ही रूल है। तो अगर मान लो करंट ऐसे घूम रहा है तो बी वेक्टर भी यही, एरिया वेक्टर भी यही, राइट? तो एरिया वेक्टर कहां पर बनेगा इसमें? ऐसे बनेगा। अब ये बताओ अगर ये लूप और बी में एंगल जीरो है तो एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या बनेगा? 90। एरिया वेक्टर क्योंकि बाहर आपकी तरफ जा रहा है और बी के साथ एंगल क्या बना रहा है? 90। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है सर? एक बार ये चीज वापस बताना। हाँ, बिल्कुल सही। ये 90 डिग्री वाली, ये लूप है, ये बी वेक्टर है, एंगल लूप और बी में क्या? 90 और जीरो, राइट? जीरो। अब ये बी वेक्टर है और एरिया वेक्टर ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा आपकी तरफ, एरिया वेक्टर, क्लियर है? यस सर। एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या है? 90। तो जब मैं पूछूंगा ये ओरिएंटेशन ऐसे है तो बी वेक्टर और लूप में अगर एंगल जीरो है तो एरिया वेक्टर और लूप में एंगल या बी में एंगल 90 है। अच्छा अब ये बताओ अगर मैंने ये कहा कि एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, मैंने लूप को 30 डिग्री घुमा दिया तो आपका एरिया वेक्टर भी साथ ही 30 डिग्री घूम गया, लूप घुमा तो एरिया वेक्टर भी साथ ही घूमेगा, राइट? इमेजिन करो ये साइड है ऊपर वाली, इस साइड को इस पेन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान से देखो ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये लूप है, लूप की अपर साइड है, मतलब लूप नीचे की तरफ है, इसकी ऊपर की साइड ली है, तो एंगल लूप में और बी में कितना बना? जीरो। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और बी में एंगल क्या बना? 90।
क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस ध्यान से देखना, मैंने लूप को घुमा दिया, ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, तो मेरा एरिया वेक्टर भी घूम गया। लूप घुमा तो एरिया वेक्टर घुमा, बी वेक्टर वहीं पर है। यहां तक क्लियर है? तो इमेजिन करो, अगर मैंने लूप को थीटा घुमाया तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और लूप में एंगल हमेशा क्या बनना है? 90। तो अगर ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। ऑनलाइन समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। तो मैं ये समझा रहा हूं, ये नॉर्मल टू दी, नॉर्मल का मतलब एरिया वेक्टर, ये नॉर्मल है लूप के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर लूप अंदर मुड़ गई बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो नॉर्मल और बी के बीच में अगर एंगल अल्फा है तो अल्फा पता है क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि लूप के साथ ये लाइन नॉर्मल है और टोटल एंगल इनके बीच में क्या बनने वाला है? 90। ऑनलाइन क्लियर है ये? यस सर। यस। तो थीटा प्लस अल्फा अगर 90 है, तो थीटा 90 माइनस अल्फा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने थीटा की फॉर्म में निकाला, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 90 माइनस अल्फा, और कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा। तो नोट करो फॉर्मूला रजिस्टर में, टॉर्क का फॉर्मूला एन बी आई ए साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन, क्या लिखेंगे? या तो लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड बी, या लिखेंगे एरिया वेक्टर एंड बी, या लिखेंगे नॉर्मल एंड बी, एक ही बात है। तो टॉर्क निकालने के दो तरीके, जैसे मर्जी यूज कर लो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। अब क्वेश्चन जब टॉर्क का पूछा जाता है ना, बहुत ध्यान से पूछा जाता है, देखा जाता है क्या एंगल का गिवन है, आपको 60 डिग्री एंगल देगा। आप ब्लाइंडली यूज नहीं कर सकते ये या कहीं भी पुट कर दो, आपको पढ़ना है 60 डिग्री अगर एंगल लूप का और बी का गिवन है फिर तो कॉस यूज करेंगे, और अगर वो 60 डिग्री नॉर्मल और बी का गिवन है फिर साइन यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला एन बी आई ए साइन अल्फा, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स को बोला जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ लूप, एक लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था? पी, याद है पी वेक्टर। इसमें इस चैप्टर में क्या है? एम वेक्टर, पी वेक्टर की जगह एम वेक्टर, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है इसमें? एम वेक्टर, राइट। अब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहां होता था? जहां चार्जेस है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां पर होगा? जहां मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? जब करंट कैरिंग लूप है वो सेंटर पे क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी कि इट इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। और अगर कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है तो उसका कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखो फॉर्मूला, कैपिटल एम का फॉर्मूला लिखो अपनी फॉर्मूला बुकलेट में, कैपिटल एम इज इक्वल टू व्हाट? करंट इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये लिखो प्लीज, ये फॉर्मूला लिखो, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन इनटू आई इनटू एरिया, राइट। क्लियर है? तो मेरा टॉर्क का मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या बन गया? एन इनटू आई इनटू ए की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। तो नया फॉर्मूला लिखो टॉर्क का, कैपिटल एम बी साइन अल्फा, वेर अल्फा किसके किसके बीच में एंगल है? नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और क्योंकि कैपिटल एम इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, तो यहां पर और टॉर्क भी वेक्टर है, तो कौन सा प्रोडक्ट लगेगा यहां पर? क्रॉस प्रोडक्ट। तो लिखो नया फॉर्मूला, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। ये चीज ध्यान से देखो, आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा कि लूप और फील्ड में एंगल जीरो है, तो लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, तो थीटा क्या होगा? जीरो। तो फिर अल्फा क्या होगा? 90, क्योंकि नॉर्मल तो फिर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। आप कोई फॉर्मूला यूज कर लो, अगर आप ये यूज करते हो तो भी टॉर्क सेम आएगा, अगर आप ये यूज करते हो तो भी टॉर्क सेम आएगा, जैसे मर्जी कर लो। और अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, अगर लूप मैग्नेटिक के साथ 90 डिग्री पे, थीटा क्या होगा? 90, तो अल्फा क्या होगा? जीरो। तो आप कोई मर्जी फॉर्मूला यूज कर लो, 90 या जीरो, आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा? सेम आएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?